हिंदू महासभा भारत रत्न गॉडसे आपटे दे रही है, क्या मानते हैं वो भी संत कालीचरण को इस स्थिति को देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं, इसके लिए हमारे लिए देश सबसे पहले है और महात्मा गांधी जी को इस देश के अंदर लोगों के मनभाव के अंदर किसी ने उतारा है तो जो दिनभर गांधी जी का नाम लेते हैं और गांधी जी के नाम पर 50 वर्षों तक राज करके चले गए, उन्होंने कभी गांधी जी के विचारों को लोगों के मन के अंदर जमीन पर लाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के और दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान से लेकर आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री माननीय भारत के हमारे महात्मा गांधी जी का जो सपना था उस सपने को जमीन पर उतारने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, महात्मा गांधी जी का हम तो इतना सम्मान करते हैं और इसलिए महात्मा गांधी जी को लेकर अगर आज भी कोई कुछ करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वो लोग हैं जो गांधी जी के नाम पर हमेशा अपने आप को कैस करते रहे लेकिन कभी गांधी जी के विचारों पर न चले, न कभी उन्होंने अपने मनभाव के अंदर उतारा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व है कि गांधी जी के सपनों का भारत आज उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सर, बीजेपी की सरकार है, संतोष जी ने कार्रवाई भी नहीं हो रही, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, हिंदू महासभा कर रही है, भारत रत्न जैसा शब्द का उपयोग कर भारत रत्न आप और मैं दे सकते हैं क्या? नहीं, भारत रत्न देने की कोई अपनी व्यवस्था है, भारत रत्न देने की अपनी कोई सिस्टम है। अब मैं कहूँ कि मैं इनको भारत रत्न दे रहा हूँ तो क्या इनको भारत रत्न मिल गया? ये देखिए, आप लोग भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं, ये कोई ऐसे कोई रोड पे खड़ा होकर के कहने लग जाए कि साहब मैं अब भारत रत्न हो गया तो हो जाए भैया भारत रत्न, कोई देने से दे रहा है तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है इस देश के अंदर। अगर आप सरकार की बात करते हैं तब मैंने कहा है कि गांधी जी के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। खादी के लिए अगर लोगों को आह्वान किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात के अंदर कहा कि मैं चार बातों को नहीं छोड़ता हूं, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये गांधी जी का ही सपना था जो मोदी जी इसको पूरा कर रहे हैं। तो हम तो उस दिशा में काम कर, सकारात्मक राजनीति करते हैं हम। ये जो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये कहने वाले कहते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। सर, एक नगरीय निकाय।